मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। देखो, आपकी पिछली क्लास में विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग चल रहे थे, जिसमें दो अनुप्रयोग आपने पढ़ लिए थे, धात्विक और अधात्विक लक्षण, सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक गुण, जिसमें आपने तीन क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। अब विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग में तीसरा अनुप्रयोग है आपका विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग, और विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग में आपने दो पढ़ लिए थे। तीसरा अनुप्रयोग है बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति। देखो, बंध की प्रकृति विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। बंध की प्रकृति विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। यदि दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर शून्य आता है तो बंध सहसंयोजक होता है, और दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर असमान होता है तो बंध क्या होता है? आयनिक होता है। ओके बच्चों, तो तीसरा अनुप्रयोग है बंध की प्रकृति। देखो, बंध की प्रकृति विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। यदि दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर शून्य आता है तो बंध सहसंयोजक होता है। बंध कौन सा होगा? सहसंयोजक। जैसे Cl2, Br2, I2, H2, N2, O2 आदि। Cl की विद्युत ऋणता 3.0, दूसरे Cl की भी 3.0, तो 3.0 में से 3.0 गए तो क्या आएगा? विद्युत ऋणता का अंतर शून्य। 2.8 में से 2.8 गए तो क्या आएगा? शून्य। 2.5 में से 2.5 गए तो क्या आएगा? शून्य। 2.1 में से 2.1 गया तो क्या आएगा? शून्य। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता 3.0 में से 3.0 गया तो शून्य। 3.5 में से 3.5 गया तो शून्य। ये विद्युत ऋणता के आंकड़े तुम्हें सब लिखाए हुए हैं आवर्त में और वर्ग में, कॉपी में देखना नेक्स्ट क्लासों में, पिछली क्लासों में। तो यदि बंध की प्रकृति विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है, यदि दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर शून्य आता है तो बंध कौन सा होगा? सहसंयोजक होगा। ओके बच्चों, अब देखो, यदि दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर असमान होता है
बंध आयनिक होता है। बंध कौन सा होता है? आयनिक। यदि अंतर शून्य नहीं आता है, असमान आता है, तो बंध कौन सा होता है? आयनिक। तो विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग में तीसरा अनुप्रयोग कौन सा था? बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। यदि दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर शून्य आता है, तो बंध कौन सा होता है? सहसंयोजक। जैसे Cl2, Br2, I2, H2, N2, O2 आदि। यदि दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर असमान होता है, तो बंध कौन सा होता है? आयनिक। असमान का मतलब है यदि अंतर क्या नहीं आता है? शून्य नहीं आता है। ओके, अब देखो विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग में चौथा अनुप्रयोग है बंध सामर्थ्य व स्थायित्व। चौथा अनुप्रयोग है बंध सामर्थ्य व स्थायित्व। बंध सामर्थ्य व स्थायित्व। देखो बंध सामर्थ्य व स्थायित्व क्या होता है? सहसंयोजक बंध में बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध सामर्थ्य व स्थायित्व भी बढ़ता है। सहसंयोजक बंध में बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध सामर्थ्य व स्थायित्व भी क्या होता है? बढ़ता है। ओके बच्चों, तो देखो सहसंयोजक बंध में बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध सामर्थ्य व स्थायित्व बढ़ता है। बंध सामर्थ्य व स्थायित्व का क्रम है HF, HCl, HBr और HI। सबसे ज़्यादा किसमें होगा? HF में, फिर उससे कम HCl में, फिर उससे कम HBr में, और सबसे कम किसमें होगा? HI में। जैसे अपन करेंगे, ये तो क्या हो गया? बंद। और ये क्या हो गया? विद्युत ऋणता का अंतर। विद्युत ऋणता का अंतर। देखो बंद है HF, HCl, HBr और HI। भाई सबसे ज़्यादा HF में है, तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कैसे है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी है? 4.0। हाइड्रोजन की 2.1। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आया? 1.9।
क्लोरीन की कितनी है 3.0, हाइड्रोजन की 2.1, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 2 गया 0, कितना आया 0.9। ब्रोमीन की कितनी है 2.8, 2.1, कितना आ गया 0.7। आयोडीन की कितनी है 2.5, 2.1, कितना आ गया 0.4। बताओ सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता का अंतर किस में है, HF में। तो मैंने ऐसे ही तो लिखा है, विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध सामर्थ्य व स्थायित्व भी क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा बंध सामर्थ्य स्थायित्व किस में है, HF में। फिर उससे कम HCl में, स्थायित्व और बंध सामर्थ्य भी HCl में। फिर HBr में, वो भी HBr में। फिर HI में, तो सबसे कम किस में है, HI में। तो सहसंयोजक बंध में बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध सामर्थ्य व स्थायित्व भी क्या होता है, बढ़ता है। आपके सामने मैंने बंध सामर्थ्य और स्थायित्व का क्रम लिख दिया है, ये बंध है, विद्युत ऋणता का अंतर निकाल के बता दिया है। ओके बच्चों, अब देखो पांचवा अनुप्रयोग है ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। पांचवा अनुप्रयोग है ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। आवर्त में तो अम्लीय और वर्ग में क्षारीय। तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। आवर्त में तो कौन सी प्रकृति बढ़ती है, अम्लीय, और वर्ग में कौन सी बढ़ती है, क्षारीय। तो ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति क्या होती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। छठवां अनुप्रयोग है बंध लंबाई का परिकलन। बंध लंबाई का परिकलन। देखो बंध लंबाई का परिकलन स्टीवेंसन व मेकर सूत्र द्वारा दिया जाता है। या बंध लंबाई का परिकलन स्टीवेंसन व मेकर समीकरण द्वारा किया जाता है। दो अबंधित असमान एकल परमाणुओं के मध्य दूरी और अबंधित असमान एकल परमाणुओं की मध्य दूरी डी ए माइनस बी होती है का सूत्र। मध्य दूरी भी निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। ओके बच्चों, तो देखो बंध लंबाई का परिकलन बंध लंबाई का
परिकलन, स्टीवेंसन, वह मेकर समीकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, दो अबंधित असमान एकल परमाणुओं के मध्य दूरी डी ए माइनस बी निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, और वो सूत्र है डी ए माइनस बी बराबर आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 अक्स ए माइनस अक्स बी। इसी को स्टीवेंसन व मेकर समीकरण भी कहा जाता है, जहां डी ए माइनस बी है एकल परमाणुओं के मध्य दूरी, अक्ष ए तत्व ए की विद्युत ऋणता और अक्ष बी तत्व बी की विद्युत ऋणता। तो बंद लंबाई का परिकलन किसके द्वारा किया जाता है? स्टीवेंसन व मेकर समीकरण के द्वारा, और यही है स्टीवेंसन व मेकर समीकरण। डी ए माइनस डी बी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दो अबंधित असमान एकल परमाणुओं के मध्य दूरी। ओके बच्चों, अब देखो सातवां अनुप्रयोग है अणु सूत्र लिखने में उपयोग। अणु सूत्र लिखने में उपयोग, सातवां है अणु सूत्र लिखने में उपयोग। देखो द्विअंगी अकार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र लिखते समय कम विद्युत ऋणी तत्व का प्रतीक पहले लिखा जाता है और अधिक विद्युत ऋणी तत्व का प्रतीक बाद में लिखा जाता है। जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है उसका प्रतीक पहले लिखेंगे, जिसकी अधिक होगी उसका प्रतीक बाद में लिखेंगे। ओके बच्चों, तो अणु सूत्र लिखने में उपयोग द्विअंगी अकार्बनिक यौगिक में द्विअंगी अकार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र लिखते समय कम विद्युत ऋणी तत्व का प्रतीक पहले लिखा जाता है तथा अधिक विद्युत ऋणी
तत्व का प्रतीक बाद में लिखा जाता है, जैसे NaCl है, ClF है, MgCl2 है। सोडियम की विद्युत ऋणता 0.9, क्लोरीन की 3.0। बताओ कम विद्युत ऋणी तत्व को पहले लिखा गया, अधिक विद्युत ऋणी तत्व को बाद में। क्लोरीन की 3.0, क्लोरीन की 4.0। सबसे पहले कम विद्युत ऋणी तत्व का प्रतीक और बाद में अधिक विद्युत ऋणी तत्व का प्रतीक। मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम का 0.9, मैग्नीशियम की 1.2 और इसकी 3.0। तो सबसे पहले कम विद्युत ऋणी तत्व का प्रतीक लिखते हैं और उसके बाद में अधिक विद्युत ऋणी तत्व का प्रतीक। अब देखो आठवां अनुप्रयोग है बंद कोण। बंद कोण, देखो आपके पास कोई भी AB अणु है, अगर B की विद्युत ऋणता घटेगी तो बंद कोण बढ़ेगा, और A की विद्युत ऋणता घटेगी तो बंद कोण घटेगा। इतना सा याद रखो, B की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण बढ़ता है और A की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण घटता है। ओके बच्चों, तो देखो AB अक्ष अणु में B की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण बढ़ता है तथा AB अक्ष अणु में A की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण घटता है, इसी कारण NH3 का बंद कोण NF3 से अधिक होता है। देखो अणु और ये क्या हो गया, बंद कोण, अणु कौन से हैं, NH3 और NF3। NH3 में 107 डिग्री और NF3 में 102 डिग्री। NH3 और NF3, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B। A की विद्युत ऋणता 3.0, B की विद्युत ऋणता 2.1। A की विद्युत ऋणता 3.0, B की विद्युत ऋणता 4.0। बंद कोण 107 डिग्री, बंद कोण 102 डिग्री। AB अक्ष अणु में B की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण बढ़ता है, AB अक्ष अणु में A की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण घटता है। NH3 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंद कोण अधिक होता है, और NF3 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण बंद कोण क्या होता है, कम होता है, क्योंकि A की विद्युत ऋणता घट रही है तो बंद कोण घट रहा है, और B की विद्युत ऋणता घट रही है तो बंद कोण बढ़ रहा है। ओके बच्चों, तो A की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण बढ़ता है और बी की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण बढ़ता है और ए की विद्युत ऋणता घटने पर बंद कोण क्या होता है, घटता है। इसी कारण NH3 का बंद कोण NF3 से क्या होता है, अधिक होता है। ओके बच्चों,
तो एनएच थ्री का बंध कौन एनएफ थ्री से अधिक क्यों होता है, तो आप बताओगे एनएच थ्री में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता घटने के कारण बंध कोण का मान अधिक होता है, एनएफ थ्री में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता घटने के कारण बंध कोण का मान कम होता है। ओके बच्चों, अब देखो नोट करो इसको एक बार। अगला अनुप्रयोग है नवा जल अपघटन की क्रिया विधि, विद्युत ऋणता व जल अपघटन की क्रियाविधि। नवा अनुप्रयोग है विद्युत ऋणात्मकता व जल अपघटन की क्रियाविधि। देखो जल अपघटन अभिक्रिया में उत्पाद अभिकर्मक में विद्युत ऋणता के अंतर के कारण उत्पन्न ध्रुवता पर निर्भर करता है। जल अपघटन अभिक्रिया में उत्पाद अभिकारक में विद्युत ऋणता के अंतर के कारण उत्पन्न ध्रुवणता पर निर्भर करता है। BCl3 के जल अपघटन से HCl उत्पाद बनता है तथा Cl2O के जल अपघटन से HOCl उत्पाद बनता है, क्यों? ये आपका क्वेश्चन है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे तत्व से अधिक होने के कारण जल अपघटन का उत्पाद HCl होगा और हेलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे तत्व से कम होने के कारण जल अपघटन का उत्पाद HOCl होगा। यदि आपको जो एग्जाम्पल मिला है उसमें हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो उत्पाद क्या होगा HCl, और हेलोजन की विद्युत ऋणता कम है तो उत्पाद क्या होगा HOCl। ओके बच्चों, तो देखो जल अपघटन अभिक्रिया में उत्पाद अभिकारक में अभिक्रिया में उत्पाद अभिकारक के विद्युत ऋणता के अंतर के कारण उत्पन्न ध्रुवणता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है आपका BCl3 के जल अपघटन से उत्पाद HCl बनता है तथा Cl2O के जल अपघटन से उत्पाद HOCl बनता है, क्यों? आंसर देखो, हेलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे तत्व से अधिक होने के कारण जल अपघटन का उत्पाद HCl होगा, जैसे BCl3 हेलोजन कौन है क्लोरीन 3.0,
ब्रोमीन, बोरोन, लिथियम की विद्युत ऋणता 1.0, बेरेलियम यहाँ लिख देती हूँ मैं, देखो लिथियम, बेरेलियम, बोरोन 1.0, 1.5, 2.0, बोरोन की कितनी है 2.0। तो मैंने आपको बताया हैलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे तत्व यानी इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता, क्लोरीन की विद्युत ऋणता बोरोन से अधिक होने के कारण, जल अपघटन का उत्पाद HCl है। ओके बच्चों, अब देखो हेलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे तत्व से कम होने के कारण जल अपघटन का उत्पाद HOCl होगा, जैसे Cl2O 3.0, इसकी विद्युत ऋणता 3.5। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होने के कारण जल अपघटन का उत्पाद HOCl है। ओके बच्चों, अब देखो अपन जैसे जल अपघटन का उत्पाद करेंगे तो एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन, पहला एग्जाम्पल है Cl2O, O, Cl और Cl, इस पे माइनस और इन पे प्लस, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उस पे माइनस और कम उस पे प्लस, HOH माइनस और प्लस दोनों की जल अपघटन अभिक्रिया करवाओगे तो ClOH यानी HOCl प्लस ClOH और HOCl, इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। Cl2O जल अपघटन करवा रहे हो, Cl इस Cl की जगह मैंने क्या ऐड कर दिया H और HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल। इसी प्रकार दूसरा BCl3 का करवाओगे, BCl, Cl और Cl किसकी ज़्यादा है क्लोरीन की, तो माइनस और इस पे क्या हो गया प्लस, जल अपघटन करवा रहे हो HOS माइनस और प्लस, तो क्या बन जाएगा बी, कितने अणु लोगे 3, OH प्लस 3HCl, इसका नाम है बोरिक अम्ल। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है BCl3 के जल अपघटन से HCl उत्पाद बनता है और Cl2O के जल अपघटन से HOCl उत्पाद बनता है। क्यों? BCl3 के जल अपघटन से उत्पाद HCl, Cl, मैंने कारण लिख दिया, हेलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे तत्व से अधिक होने के कारण जल अपघटन का उत्पाद HCl होगा, जैसे BCl3 अधिक है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता बोरोन से अधिक होने के कारण जल अपघटन का उत्पाद HCl, हेलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे तत्व से कम होने के कारण जल अपघटन का उत्पाद HOCl होगा,
जैसे हेलोजन की 3.0 और 3.5, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होने के कारण उत्पाद क्या है? HOCl। दोनों मैंने क्रियाविधि के द्वारा समझा दी। माइनस और प्लस का मतलब ध्रुवणता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा माइनस और कम प्लस। जैसे यहाँ बोरोन की कम थी तो प्लस लगा दिया और क्लोरीन की ज़्यादा थी तो माइनस। आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट और विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास इज ओवर, बाय।